इस पर्टिकुलर आप सब्जी को अगर आप रोस्टेड चिकन खा रहे हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, अगर आप फ्रेंकी रोल बना रहे हैं उसके अंदर एज अ स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच बना रहे हैं अपने लिए तो आप आलू टिक्की के ऊपर भी ये वाली जो है आप स्टर फ्राई डाल सकते हैं। बहुत सारे इसके यूजेज हैं तो ज़रूर ट्राई करें ये सब्जी और ये ऑलमोस्ट तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मॉम। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ एक और झटपट रेसिपी जिसमें मैं बना रही हूँ प्याज की सब्जी, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 to 5 बिग अनियंस और मैंने इनको मोटा मोटा स्लाइस करा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और मसालों में मैंने लिया है पिंक हिमालयन सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 teaspoon जीरा सीड्स, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर। तो फ्रेंड्स ये सब्जी बहुत ही तेज़ी से बनती है और अगर आपको लेट हो रहा है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आलू या भिंडी या कोई भी सब्जी नहीं है तो आप ये सब्जी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1.5 सर्विस स्पून ऑयल ले लिया है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो पहले हम डाल देंगे जीरा सीड्स और इनको 2 मिनट्स तक पॉप होने देंगे। गैस को आप लो टू मीडियम रखें। जीरा हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब डाल देते हैं अनियंस। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं फॉर 3 to 4 मिनट्स। हल्का हम लाल कर लेंगे अनियंस को, चाहे तो हाई फ्लेम पे कर लें चाहे आप मीडियम फ्लेम पर कर लें, आपकी विश है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप थोड़ा सा जो है सॉल्ट वो ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा सा बचा लें, आधा डाल दें। नमक डालने से क्या होता है, जो पकने की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी हो जाती है क्योंकि नमक जो होता है वो पानी इवेपोरेट कर देता है अनियंस का और उनको जल्दी जल्दी पकाता है। जब आप देखेंगे कि 70% जो हमारे अनियंस है वो कैरमलाइज हो चुके हैं तब हम डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, बचा हुआ सॉल्ट, आमचूर पाउडर, अनारदाना और लाल मिर्ची पाउडर। पर्टिकुलरली इस सब्जी को आप एज साइड भी खा सकते हैं, जैसे कि चटनी खाते हैं हम, जैसे कि करेले खाते हैं हम साइड में, वैसे भी खा सकते हैं आप। अब मिक्स कर लेंगे हम फॉर अबाउट 5 मिनट्स अच्छे से ऑन मीडियम फ्लेम। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 to 7 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे अनियंस को। लीजिए फ्रेंड्स आपकी प्याज की सब्जी तैयार है। आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, एज अ स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई रियली होप दैट यू लाइक माई रेसिपी। इफ़ यू डू तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको भी ये सब्जी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। टिल देन टेक केयर, बाय।